हेलो दोस्तों, मैं नाजिम हुसैन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक को नया वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गूगल का जो जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए आप आपका गूगल क्रोम ओपन कर लें कि आप किस तरह से जेमिनी को आपके क्रोम ब्राउज़र पे, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आप google.com खोल लें और यहाँ पे टाइप करें जेमिनी। जब जेमिनी ओपन हो जाएगा, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट नज़र आएगी gemini.google.com। यहाँ पे क्लिक कर दें और आपकी जो मेल आईडी है उससे आप इसमें लॉगिन कर लें। जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। दोस्तों, ये फ्री वर्ज़न है और इसके द्वारा हम कई सारी चीज़ें वर्क कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक रिज्यूम कैसे तैयार करेंगे, उसमें क्या पॉइंट होने चाहिए वो आपको मैं बताऊंगा। यदि हमारे समझ में नहीं आता कि मैं रिज्यूम में क्या क्या डालूं, तो हम सिर्फ इसको, लैपटॉप आपके पास तो सिर्फ डायरेक्टली आप इसका माइक्रोफोन यूज़ करके बोल सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक रिज्यूम तैयार करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए आप मुझे बताएं पॉइंट वाइज। ये देखिए दोस्तों, रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये देखिए पॉइंट वाइज। ये हमारे बहुत ही आसानी के साथ बता रहा है कि एक अच्छे रिज्यूम में, ये देखिए, अब सारी जानकारी, नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल, उद्देश्य, अनुभव, आपका जो आपने एजुकेशन लिए आपके पास, यानी ये टोटल चीज़ें इसने हमारी ये दे दी। ये देखिए, अब इसके, ये हिंदी लैंग्वेज में, अब मैं इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करवाना चाहूँ, देखिए ट्रांसलेट के लिए आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब ये इसको इसको इसने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है बहुत ही आसानी के साथ। ये देखिए, ये तो हुआ रिज्यूम के द्वारा, रिज्यूम जो हम बनाते हैं उसके लिए। अब यदि मैं इससे पूछता हूँ कि मेरी डेली टू डू लिस्ट क्या आप तैयार कर सकते हैं, मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ जो कि, या एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ, BSc कर रहा हूँ, तो मेरी एक डेली टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए, क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं? ये देखिए, ये BSc छात्र के लिए, ये देखिए, दैनिक सूची में क्लास नोट्स, होमवर्क करना, अध्ययन करना, ये तो हो गए, ये व्यवहारिक कार्य हो गए, प्रयोगशाला रिपोर्ट तैयार करें, ये देखिए आप, बिल्कुल कसरत करना, व्यक्तिगत विकास, इन चीज़ों पे, ये देखिए, ये कितनी आसानी के साथ मेरी डेली टू डू की लिस्ट। ये देखिए पूरा, सुबह क्या करना है, कितने बजे क्या करना है, दो, यानी इसने पूरी तरह से एक मेरी डेली टू डू लिस्ट तैयार कर दी है। अब मैं इससे कुछ और जानकारी लेना चाहता हूँ, ये हमारी प्रोफेशनल यानी एक व्यक्तिगत लाइफ की जानकारी हुई है। अब मैं इससे दुनिया की नॉलेज लेना चाहता हूँ, यानी किसी जगह के बारे में जानना चाहता हूँ, या इसको कोई फ़ोटो अपलोड करके उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैं इस कोई फ़ोटो इस पर अपलोड करता हूँ, मैं इसके ऊपर कोई फ़ोटो अपलोड करता हूँ कि जिससे कि ये मुझे कोई जानकारी दे, किसी भी चीज़ की फ़ोटो में एक, ताकि ये मुझे जानकारी दे कि आखिर ये है क्या। ये देखें, मैंने एक फ़ोटो अपलोड, मैंने जो फ़ोटो अपलोड की है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? ये देखिए, ये देखिए, मैंने जो फ़ोटो अपलोड की, ये बेबी शावर डेकोरेशन की एक फ़ोटो है। यहाँ गुब्बारा सजावट किया गया है, यानी बलून का एक डेकोरेशन किया गया है, वेलकम बोर्ड लिखा हुआ है, नीचे फ्लोवर है। तस्वीर के बारे में, यानी इसने देखिए एक फ़ोटो की भी पूरी डिटेल दे दी है, एक फ़ोटो के बारे में भी। आप किसी जगह, कोई लोकेशन आपको नहीं पता है, आप उसकी फ़ोटो, हो सकता है कोई आपको कोई चीज़ पसंद आ रही हो, किसी जगह की फ़ोटो है, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल दे सकता है। इसके अलावा मैं इसमें अपलोड करता हूँ कोई
स्क्रीनशॉट कोई, ये देखिए अब मैं इसको मैं एक और फोटो इसमें आपको अपलोड करके बता देता हूँ। अपलोड की गई इमेज के बारे में बताएं, ये देखिए ये देखिए ये बता रहा है कि अपलोड की गई इमेज एक होटल का बिल है, ब्लैंक होटल का बिल है, ये देखिए इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और सभी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अब मैं इससे मैं कहता हूँ कि मेरे लिए क्या आप एक इनवॉइस तैयार कर सकते हैं। मेरा बलून डेकोरेशन का बिजनेस है, उस हमारे बिजनेस का नाम है बलून डेकोरेशन इन जयपुर, क्या आप मेरे लिए इनवॉइस तैयार कर सकते हैं, इनवॉइस का फॉर्मेट उसमें क्या क्या होना चाहिए आप मुझे बताएं। ये देखिए ये मेरे इन मैंने इसको कहा कि मैं देखिए एक इनवॉइस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये चीज़ इन्होंने मुझे बता दी। ये देखिए पूरा, ये देखिए ये देखिए जीएसटी यानी पूरी। अब ये देखिए मैं इसको गूगल शीट में एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो ये देखिए मैंने गूगल शीट में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। ये देखिए ये ओपन गूगल शीट, ये मेरे को एक इनवॉइस तैयार करके दे रहा है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए मैं इसको गूगल शीट में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए क्या आप मेरे लिए एक टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं गूगल शीट में, ये देखिए ये देखिए मेरे एक लिए एक ये टू डू लिस्ट तैयार कर रहा है। हम डायरेक्टली गूगल लिस्ट ये देखिए बाकायदे टू डू लिस्ट इन्होंने तैयार की है हमारे लिए। और ये देखिए हम इसको ओपन करेंगे, ओपन गूगल शीट, तो डायरेक्टली हम इससे ये देखिए आप स्क्रीन पे देखेंगे कि इसने हमारे लिए एक टू डू लिस्ट तैयार कर दी है। ये देखिए अब इसमें ये देखिए बहुत ही हम चाहें तो इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये आपको पता है। तो गूगल जेमिनी से हम जनरल कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनसे एक गूगल शीट तैयार करवा सकते हैं। अब मैं इससे एक वर्ड का फाइल तैयार करवाता हूँ। हमारा जो इसमें गूगल में जो होता है ये डॉक्स होता है ना, जो वर्ड हम माइक्रोसॉफ्ट में उसको वर्ड बोलते हैं, इसमें डॉक्स बोलते हैं। आप मेरे लिए एक रिज्यूम का फॉर्मेट तैयार कर दें गूगल डॉक्स में, ये देखिए ये देखिए इसने ये रिज्यूम गूगल डॉक्स के टेम्पलेट्स हैं जो इसने हमें दिए हैं, ये देखिए। यानी इतनी आसान से ये हमें बहुत ही आसानी के साथ इतनी चीज़ें दे देता है गूगल जेमिनी। ये देखिए अब ये हमारे रिज्यूम के फॉर्मेट आ गए हैं, आप कोई सा भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बिल्ड ए न्यू रिज्यूम, ये देखिए तो आप आसानी से अपना रिज्यूम यहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे भी आप इसमें गणित की कैलकुलेशन करना चाहें। क्या आप मेरे लिए गणित के सवाल कर सकते हैं, ये देखिए ये जवाब दे देगा अभी। हाँ ये आपके लिए गणित में, ये देखिए किस भी तरह के आप क्लास 3 के लिए एक विज्ञान का पेपर तैयार करके दें, ये देखिए ये हम क्लास 3 के लिए एक साइंस का हम पेपर तैयार करवा रहे हैं। ये देखिए पूरा
कक्षा दो के लिए, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूँ, कक्षा दो के लिए एक हिंदी में हिंदी का एग्ज़ाम पेपर बनाकर दीजिए, 10 क्वेश्चन का। ये देखिए कितना आसानी के साथ इसने ये पेपर तैयार करके दे दिया हमें। ये देखिए कक्षा दो के लिए हिंदी का। तो आप दोस्तों गूगल जेमिनी के साथ बहुत ही एडवांस चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।